अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, काम तो सोनिया जी का था और ये पूरे षड्यंत्र की रचयिता सोनिया गांधी है। से तलवार इससे प्रसन्न होकर, अति प्रसन्न होकर सोनिया जी ने पद्मश्री दिया 2007 में। और आप सभी जानते हैं गुजरात दंगे 2002 में जिस प्रकार से तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के और वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को अपमानित और उन्हें बदनाम करने की चेष्टा उस समय की पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने जिस प्रकार का षड्यंत्र रच के किया था, समय के साथ धीरे धीरे परत दर परत सच्चाई सामने आ रही है। आप सबको अवगत है कि चंद हफ्तों पहले सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस कॉन्क्लूड किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्त टिप्पणी, कोर्ट ने कहा था क्लीन चिट देते हुए नरेंद्र मोदी जी को, कुछ ऐसे लोग थे जो जानबूझ के अपने अल्टीरियर डिजाइन, अपने षड्यंत्र के कारण, अपने मकसद के कारण पॉट बॉइलिंग अर्थात इस पूरे विषय को जीवित रखने का काम कर रहे थे और अतथ्य प्रस्तुत कर रहे थे। अब समय आ गया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन लोगों के ऊपर भी कानून का सिकंजा कसे और इन लोगों को भी जुडिशियल ट्रायल फेस करना पड़े। यह सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। तीस्ता सितलवाड, बी श्री कुमार, आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट, कुछ लोग गिरफ्तार हुए, उनके ऊपर एक एसआईटी बैठाया गया था। आज सुबह से मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से देश देख रही है कि ये जो एसआईटी है, एसआईटी ने अपने एफिडेविट को कोर्ट में सबमिट किया है। एफिडेविट ने अपने जांच को कंक्लूड करके ये जो रिपोर्ट रखा है, बहुत सारे सत्य को ये सामने ला। बहुत स्पष्ट रूप से ये एफिडेविट कहती है कि तीस्ता सितलवाड और उनके साथी, उनके सहयोगी जो काम कर रहे थे वो मानवता के लिए काम नहीं कर रहे थे, वो एक पॉलिटिकल डिजाइन के साथ, एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के साथ, एक राजनीतिक मंसूबे के साथ काम कर रहे थे। उनका मंसूबा क्या था? उनका दो टूक मंसूबा था, दे हैड टू ऑब्जेक्टिव्स। ये दो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? प्रथम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था उस समय जो राज्य की सरकार थी गुजरात में, किस प्रकार से उसे बर्खास्त किया जाए और उसे अस्थिर बनाया जाए, यह प्रथम राजनीतिक मंशा, यह प्रथम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तीस्ता सितलवाड और उनके मित्रों का था, उनके साथियों का था। और जो दूसरा मंशा था, किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नाम को शामिल किया जाए, किस प्रकार से उन्हें अपमानित किया जाए, उनको किस प्रकार से पदच्युत किया जाए, किस प्रकार से उन्हें परेशान किया जाए, ताकि भविष्य का एक लीडर जो भारतीय जनता पार्टी को आगे लेने की क्षमता जिसमें है उसे रोका जा सके, इस मंशा के साथ तीस्ता और उनके साथी काम कर रहे थे। ये जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, इसका खुलासा एफिडेविट में हुआ है। एफिडेविट ने स्पष्ट रूप से कहा है, केवल नरेंद्र मोदी और केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, गुजरात किस प्रकार से इसमें उसके चित्र को मलिन किया जाए, इमेज ऑफ गुजरात को धक्का पहुंचे, यह षड्यंत्र भी तीस्ता सितलवाड और उनके साथी कर रहे थे। और दुख का विषय, जो हम कह रहे थे, जो हम सोच रहे थे, जिस पर डिबेट और डिस्कशंस होते थे, आज एफिडेविट में वो हकीकत सामने आया है कि षड्यंत्र तो हुआ, षड्यंत्र के रचयिता कौन? अहमद पटेल, श्री अहमद पटेल, जो पूर्व के कांग्रेस के दिग्गज नेता, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मुख्यतः चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर टू द देन कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी। मैं आज इस मंच से अहमद पटेल जी की शांति की कामना करता हूं, वो आज हमारे बीच में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी संवेदनशीलता में विश्वास रखती है। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, काम तो सोनिया जी का था। नाम अहमद पटेल, काम सोनिया जी, इसलिए अपने मुख्य राजनीतिक सचेतक, अपने मुख्य पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल के माध्यम से सोनिया जी ने गुजरात के छवि को धूमिल करने की चेष्टा की। अहमद पटेल जी के माध्यम से सोनिया जी ने नरेंद्र मोदी जी को घेरने की चेष्टा की, उन्हें अपमानित और उन्हें किस प्रकार से निष्कासित किया जाए इसकी चेष्टा की। और ये पूरे षड्यंत्र की रचयिता
सोनिया गांधी है। और आगे बड़े स्पष्ट शब्दों में यह एफिडेविट कहती है, मीडिया से हमने एफिडेविट डाउनलोड किया है क्योंकि मीडिया एफिडेविट चला रही है, पैसे दिए गए और जो पहला किस्त गया है वो पहला किस्त 5+25 अर्थात 30 लाख का पहला किस्त सोनिया गांधी जी ने तीस्ता शीतल वार्ड को दिया। अहमद पटेल जी हमारे बीच में नहीं है, अहमद पटेल जी ने तो केवल डिलीवर किया, दिया सोनिया जी ने अपनी तिजोरी से, डिलीवरी की अहमद पटेल जी ने और लिया तीस्ता शीतल वार्ड ने। और याद रखिए ये 30 लाख उस जमाने में केवल पहला किस्त था, उसके आगे न जाने कितने करोड़ों रुपए सोनिया गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को अपमानित और बदनाम करने के लिए और केवल बीजेपी और मोदी को पीछे रख करके राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए तीस्ता शीतल वार्ड का इस्तेमाल इस पैसे से सोनिया गांधी जी ने किया। आज जो रिपोर्ट आए हैं वो दिल दहला देंगे कि ये सब जो षड्यंत्र कर रही थी, जो मलेशियस काम कर रही थी तीस्ता शीतल वार्ड, इससे प्रसन्न होकर, अति प्रसन्न होकर सोनिया जी ने पद्मश्री दिया 2007। केवल पैसे नहीं पद्मश्री भी दिया गया है। आज सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी दबाव में है क्योंकि आज वो धरे गए, आज वो पकड़े गए और आज उनको उत्तर देना पड़ेगा।